नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। दिल्ली में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, साथ ही अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। और इसी के साथ ही कल से दिल्ली में कंस्ट्रक्शन और कारखाने खोले जा सकेंगे। बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है, लेकिन इसके साथ कुछ छूट भी दिल्ली सरकार की तरफ से जारी कर दी गई है। बता दें कि अब कंस्ट्रक्शन साइट्स को फिर से खोल दिया जाएगा और इसके साथ ही बिना लक्षण वाले कर्मचारियों को काम करने की अनुमति मिल दी जाएगी। श्रमिक और कर्मचारियों के लिए ई पास की व्यवस्था दिल्ली सरकार करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 77वें बार मन के कार्यक्रम बात को जो है संबोधित किया है। इस कार्यक्रम के तहत अपने विचार शेयर किए गए और इसके साथ ही कोरोना महामारी पर पीएम मोदी ने कहा कि देश पूरी ताकत के साथ कोविड से लड़ रहा है। पिछले 100 सालों में यह सबसे बड़ी महामारी है और इसी महामारी के बीच भारत ने अनेक प्राकृतिक आपदाओं का भी डटकर मुकाबला किया है। इस दौरान चक्रवात अम्फान, नरसिंह और अनेक राज्यों में बाढ़ आई, अनेक भूकंप आए, भूस्खलन हुए, हाल ही में आए तूफानों का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल में चक्रवात से प्रभावित हुए सभी राज्यों के लोगों ने जिस प्रकार से साहस का परिचय दिया है, इस संकट की घड़ी में बड़े धैर्य के साथ, अनुशासन के साथ मुकाबला किया है। केंद्र, राज्य सरकार और प्रशासन सभी एकजुट होकर आपदा का सामना करने में जुट गया है। देश और देश की जनता इनसे पूरी ताकत से लड़ी और कम से कम जनहानि सुनिश्चित की गई।